हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज हम बहुत जल्दी जाग गए हैं क्योंकि रात में इतनी गर्मी थी कि अच्छा से नींद भी नहीं आई और ऊपर से मच्छर और लाइन बार बार कट रही थी, तो इसीलिए रात में सो नहीं पाए अच्छा से और जल्दी हम उठ गए। लाइन बार बार, झारखंड में ऐसे ही होता है, लाइन बार बार कट जाती है, 2 घंटा 1 घंटा के बाद आती है। दिन में तो फिर ठीक है कि इधर उधर अपना काम में बिजी रहते हैं, लेकिन रात में जब लाइन कट जाती तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो मच्छर परेशान करते हैं और ये देख सकते हैं सुबह सुबह बेटी भी काम में इसको लगा दिए हैं कि सुबह उठ के कुछ काम क्या करो तब शरीर ठीक रहेगा और अच्छा लगेगा। तो इधर बर्तन धो रही है और मैंने झाड़ू मार के फटाफट से ये देखिए पोछा लगा रही हूँ। और मैं हमेशा ऐसे ही बैठ के पोछा लगाती हूँ, जो डंडी वाला पोछा है उसमें हमको संतुष्टि भी नहीं होती है और अच्छा भी नहीं लगता है, खड़े खड़े पोछा लगाना पड़ता है तो आदत है, क्योंकि मिट्टी का घर में पले बड़े हैं तो मिट्टी का घर में तो गोबर वगैरह देना पड़ता है, तो बैठ के ही देना पड़ता है। इसीलिए हम हमेशा ऐसे ही बैठ के पोछा लगाती हूँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का उधर में गर्मी कैसा है। हम लोग का इधर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है कि मत ही बोलिए। सुबह 8 बजे से बहुत तेज धूप है और जब तक इधर 5 नहीं बज जाता है धूप वैसे की वैसे ही लगती है और कुछ कम नहीं, बहुत ही ज़्यादा तेज धूप है। तो फ्रेंड, आप लोग चैनल में अगर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए नानी सुबह उठ के बैठी हुई है, ये हम लोग से बहुत जल्दी उठ जाती हैं। और मेरा काम कंप्लीट हो गया है झाड़ू पोछा। और ये देखिए हम मुंह धो रहे हैं, हम हमेशा दतून से मुंह धोते हैं लेकिन दतून ख़त्म हो गया था तो मजबूरी में ये ब्रश करना पड़ रहा हमको, और ब्रश करते करते मेरा दांत यहाँ से वहाँ हो गया है, दांत के बीच में बहुत गैप हो गया है ये ब्रश के वजह से, बचपन से ब्रश कर रहे हैं इसीलिए। और कल हटिया गए हुए थे, हटिया से ये सब्जी सब लेके आए हैं, भिंडी बैंगन टमाटर। तो रात का चावल है, रात में चावल बना के रख देते हैं पानी में डुबो के, क्योंकि गर्मी का मौसम में हम लोग बासी बाथी खाते हैं, नाश्ता के जगह में चाय नहीं पीते हैं गर्मी में। तो रात में लेके आए थे भिंडी शाम का टाइम में हटिया से, तो वही भिंडी अभी अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धो लेती हूँ, थोड़ा सा धो के 10-5 मिनट रख दूँगी, इसमें सूख जाएगा हल्का पानी, इसके बाद इसको भुजिया बनाएंगे और बस भात के साथ खाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखिए हम अच्छी तरह से धो लेते हैं भिंडी। और फ्रेंड क्या बोलें, कुछ अगर शोर शराबा आप लोग को सुनाई दे रही है तो इग्नोर कीजिए, क्योंकि किसी का घर में भजन चल रहा है तो किसी का घर में म्यूज चल रहा है, तो सुबह सुबह थोड़ा सा शोर शराबा होता है तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अगल बगल में घर है तो कुछ कह नहीं सकते, तो आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा। तो ये देखिए छुरी से हम भिंडी को नहीं काटते हैं, आदत है, ये भिंडी बैठी से ही काटते हैं, गांव देहात के लोग हैं तो हमेशा कुछ भी काटते हैं तो बैठी से ही काटते हैं। फटाफट से इसको काट लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। तो ये देखिए हम गैस पे चढ़ा दिए हैं कढ़ाई, और कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है तो इसमें डाल रहे हैं सरसों का तेल। और मैं हमेशा ये 5 फोड़न का यूज़ करती हूँ हर सब्ज़ी में, मीट मछली में तो होता ही है लेकिन ये साग में लहसुन और सूखा मिर्च है, पर
ऐसे ही आलू भुंजिया हो, भिंडी भुंजिया, कुछ भी भुंजिया वगैरह बनाते हैं तो पाँचफोड़न का यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए अभी भिंडी का भुंजिया बनाएंगे। अभी जाएगी टीचर तो इसको चोटी बांधना नहीं आती है, इसको चोटी बांधना। फ्रेंड मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अभी बज रहा है 8 और नाश्ता चाय इस तो नहीं पीते हैं, बहुत कम ही नाश्ता वगैरह करते हैं क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। तो 8 बजे 10 बजे 9 बजे जो भी टाइम में अभी हम लोग बासी भात खाते हैं। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। ये देख सकते हैं फ्रेंड ये दोनों बासी भात खा रही है, बासी भात और भिंडी का भुंजिया। फ्रेंड जलपान खा के बैठे हुए हैं और आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में जो नए हैं प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोग से मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जोहार।